आरामबाग पैदल जाते थे रोज और पैदल वापस आते थे। बचपन से मैंने देखा उसूल के पाबंद हमेशा से थे, तो उन उसूलों का पास हमें भी रखना पड़ता था। वो ये समझते थे ना कि कौम की मुस्तकबिल तो ये बच्चे हैं ना, वो यही कहते थे इन बच्चों को बड़ा बना दे, पाकिस्तान खुद भी बड़ा हो जाएगा। जब मैं छोटी थी तो हकीम साहब की, वो खुद भी नौजवान थे जब आए थे, 28 साल उनकी उम्र थी, तो ज़ाहिर उनमें वो जोश और वलवला बहुत था, पाकिस्तान आने का शौक़ भी बहुत था। बहुत ज़्यादा मुझे लगता था जैसे वो गुस्से की ज़रा तेज थे और काम करने की जुनून था ना। तो हम लोग, खैर मैं तो एक ही थी वाहिद घर में, मेरी अम्मी थी, और इतना ज़्यादा वक्त भी उनका घर में नहीं गुजरता था, क्योंकि जज्बा उनका यही था कि उनको खिदमत करनी है। तो सबसे पहले तो मतलब कायम करना था, जहाँ जो उनकी बुनियाद थी, तो उन्होंने एक मतलब किराए पे लिया 12 रुपए महीने पे, जहाँ से उन्होंने अपनी आगाज़ किया मतलब का। तो उसमें आपको ये बहुत सहूबतें भी बहुत बर्दाश्त की, पैदल जाते थे। अब हम रहते थे कायदे आज़म के मज़ार के पास, तो आराम बाग पैदल जाते थे रोज़ और पैदल वापस आते थे। तो और वक्त के बहुत पाबंद थे, घर में भी बहुत पाबंदियाँ थी हर जिस्म की वक्त की, कि मतलब ये खाना भी वक्त पे हो और मुलाजिम भी वक्त पे रहें, और मुलाजमों को भी, मुलाजमों के साथ उनका बहुत ज़्यादा होता था कि उनको भी वक्त मिले, अपने 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 लिए भी उनको वक्त चाहिए होता है, ये नहीं कि हम हर वक्त मुलाजमों को अपने साथ ही लगाए रखें। बचपन से मैंने देखा उसूल के पाबंद हमेशा से थे, तो उन उसूलों का पास हमें भी रखना पड़ता था, हम दो माँ बेटी जो घर पे थे। हकीम साहब ने मुझे बहुत सख्ती से पाला, ये मैं आपको बता दूँ। बच्चों में मैं स्कूल बस में जाती थी, स्कूल गाड़ी, हालांकि हमारे पास गाड़ी भी थी, ड्राइवर था, स्कूल बस में जाती थी, स्कूल बस में आती थी वापस, और बिल्कुल वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, और वो थे उसूल थे। मतलब उस ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, हम छोटे थे तो सिनेमा हाउस पे जाते थे, तो रात के 9 बजे के बाद कोई शो में नहीं जा सकती थी। एक दफ़ा सजा भी मिली थी रात को 9 बजे के बाद शो पे जाने की, सजा मिली थी, 6 महीने के लिए बंद हो गया था फिल्म देखना। सोना, हमें सोने की आदत नहीं थी दिन चढ़े, और उनका सिर्फ यही कहना काफ़ी होता था ये कोई सोने का वक्त है। तो वो तहज्जुद के वक्त उठते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, उसके बाद फिर वो अपनी मेज़ पर आ जाते थे। और पहले जो ऑफिस से जाता थे, बड़े बहुत बड़ा पेटी भर के कागजात की दफ्तर से जाती थी, उसको देखते थे, उसके बाद फिर जो उनको लिखना पढ़ना होता था अपना वो करते थे, वो उनका टाइम था। फिर फजर पढ़ते थे, फजर के बाद फिर वो मतलब चले जाते थे। अच्छा, शुरू में तो वो रोज़ाना मतलब जाते थे, उसके बाद हल्के हल्के फिर वो जैसे कि वक्त गुजरा तो वो सिर्फ हफ्ता और इतवार को जाने लगे मतलब। उस वक्त उनका रोज़ा था, वो मतलब कई दिन था और हफ्ते कई दिन था। तो सुबह सुबह वो उठे, मेरी बेटी उनके पास थी माहम, तो माहम ने कहा मैं आपके साथ चलूँ, उसने कहा नहीं नहीं, अब बयान ने कहा नहीं तुम रहो आज, मैं खुद चला जाऊँगा। उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा, उन्होंने पानी पिया, दायरे वो सहरी तो कुछ करते नहीं थे, पानी पीते थे, पानी पिया और चले गए। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो यह हो गया सानिया। दुख ये कि उनके साथ दो, एक अच्छे हकीम भी चले गए और एक उनका वो था जो मरीजों को मैनेज करता था, नंबर देना ऐसा करना, वो भी साथ चले गया। यकीन माने इतना कम वो खाते थे, और हमसे भी कहते थे, और सबसे ये कहा करते, पूरी कौम से भी कहते थे भाई कम खाओ, इतना खाना हमारी जिस्म को ज़रूरत नहीं है इतने खाने की जितना हम खाते हैं। और वो यही कहते थे एक नाश्ता एक खाना। तो वो नाश्ता तो खैर इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे भरपूर, मगर ये कि रात का खाना बहुत अच्छी तरह से खाते थे जो भी घर में बनता था। मगर ये कि ये नहीं है कि मुरगन खाने, मुझे नहीं याद उन्होंने कभी कोई बिरयानी खाई हो या कोरमा खाया हो या इस तरह की चीज़ें खाई हो। बच्चों से तो उनको शुरू से बहुत मोहब्बत थी, जिसकी वजह से निशाना नौनिहाल भी जारी किया। और वो ये समझते थे ना कि कौम की मुस्तकबिल तो ये बच्चे हैं ना, वो यही कहते थे इन बच्चों को बड़ा बना दें, पाकिस्तान खुद भी बड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमदर्द स्कूल बनाया, हमदर्द विलेज स्कूल बनाया। मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल एक अपने तर्ज का एक बिल्कुल वो था कि एक स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तालीम एक ही जगह हो,
ये हकीम साहब का ये था। तो हम नर्स स्कूल भी बनाया, उसके साथ एक विलेज स्कूल भी बनाया गांव के बच्चों के लिए, बल्कि खुद हर घर में गए कहने के लिए कि भाई अपने बच्चों को पढ़ने भेजो स्कूल। शुरू में तो उन लोगों ने बहुत, गांव वालों ने, 28 गांव हैं हमारे मध्यांतर हिकमत के करीब, सब ने बहुत कहा हम नहीं भेजेंगे बच्चों को, तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तो हकीम साहब कहने बच्चों को पहले भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ भी वहाँ बहुत तालीम हासिल कर रही हैं और अच्छे में आर पी स्कूल वो भी।